एक्सरसाइज नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर 4। 8x² डिवाइड में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस x² एज 8x² डिवाइड में 1 माइनस x का स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8x² डिवाइड में। अब 1 माइनस x² एक फार्मूला है जो कि किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो 8x² डिवाइड में 1 माइनस एक्स, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स, साथ x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लेट करेंगे 8x² डिवाइड में 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है a बाय 1 माइनस एक्स प्लस b बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बाय x² प्लस 1 प्लस ई एक्स प्लस एफ बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 8x² डिवाइड में 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आएगा, एलसीएम लेंगे तो a 1 प्लस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, x² प्लस 1, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट और राइट साइड से डिवाइड वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 8x² इक्वल आ जाएगा a 1 प्लस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस एक्स, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, x² प्लस 1, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। 8x² इक्वल आ जाएगा a। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई किस तरह हमने करवाया, पहले x² प्लस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने यहाँ पे, जो कि बना था x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x², फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया था 1 प्लस x से, तो आया x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस b। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस किया है, पहले x² प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस x से, तो आया माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस। अब यहाँ पे आप पहले 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जो कि आएगा 1 माइनस x², फिर उसको x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, फिर उसको सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये सारा मल्टीप्लाई करवा के उसमें से सी को कॉमन निकाल लें तो बाकी बचेगा माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स, फिर डी को भी कॉमन निकाल लें तो बचेगा माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस। अब ई एक्स प्लस एफ, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा। अब 8x² इक्वल्स टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ए एक्स की पावर 5 प्लस ए एक्स की पावर 4 प्लस 2ax³ प्लस 2ax² प्लस ए एक्स माइनस। अब बी को मल्टीप्लाई करवाना है तो बी एक्स 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 माइनस 2bx³ प्लस 2bx² माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स माइनस डी एक्स की पावर 4 प्लस डी प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स क्यूब प्लस एफ माइनस एफ एक्स स्क्वायर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब a के नीचे था 1 माइनस एक्स, उसको 0 के इक्वल रखें तो x इक्वल आ जाएगा 1 के, तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 8, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 इक्वल्स टू a 1 में 1 ऐड करें तो 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 8 इक्वल्स टू a 2 और 1 में 1 ऐड करें 2 बनता है, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो a इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि 4 टू आर 8 ना, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल आएगा 1 के। अब b के नीचे था 1 प्लस x, उसको इक्वल 0 के रखेंगे तो x इक्वल आएगा माइनस 1 के, सो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 8, माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस b 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 इक्वल आ जाएगा b साथ 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 8 इक्वल आ जाएगा b साथ 8, 8 8 से कैंसिल, b इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हम इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 4, x³ इन इक्वेशन 3, वी गेट x की पावर 5 के कॉफिशेंट को इक्वेट करें a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, c की, क्योंकि a और b की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम c को यहीं पर रहने देंगे, बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड पे भेजेंगे, c इक्वल आ जाएगा a माइनस बी के, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो c इक्वल आ गया 0 के। इसी तरह x की पावर 4 के कॉफिशेंट को इक्वेट करें तो a प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू 0, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी,
विच इज़ इक्वल टू वन प्लस वन डी इक्वल आ जाएगा टू के। एक्स क्यूब के कॉफिशेंट को इक्वेट करेंगे तो टू ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल आएगा जीरो के। ई निकालना है तो बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी, या हम ई को ही दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि ई के साथ माइनस है ना, ताकि राइट साइड पे जाके प्लस हो जाए। तो ई इक्वल्स टू टू ए माइनस टू बी, ई इक्वल्स टू टू ए की जगह पे वन माइनस टू बी की जगह पे भी वन, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा तो ई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब नो पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन वन, वी गेट एट एक्स स्क्वायर डिवाइड में वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई वन माइनस एक्स प्लस वन बाय वन प्लस एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।